हेलो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ग्रेड अप नीट चैनल हाउ आर यू कैसे हैं सभी बच्चे दिस इज डॉक्टर प्रियंका एंड यू आर गोइंग टू स्टडी इवोल्यूशन इन सीरीज ऑफ़ एन विजन सिक्स फिफ्टी प्लस सो होप यू ऑल आर रेडी फॉर टू क्लास लेट मी सी हु ऑल आर हियर कौन कौन बच्चे आ गए हैं हमारे इस क्लास के लिए इवोल्यूशन के लेट मी सी हेलो वंस अगेन हेलो एवरी वन हेलो मंजू जल्दी जल्दी आ जाओ यार आई एम लाइव सो वंस अगेन गुड आफ्टरनून वेलकम टू ग्रेड अप नीट चैनल एंड दिस इज डॉक्टर प्रियंका और आप पढ़ने वाले हो मेरे साथ इवोल्यूशन इन जस्ट वन शॉट तो फटाफट आ जाओ यार कहाँ गए सभी बच्चे हेलो अमित हेलो मंजू जल्दी आ जाओ क्लास शुरू हो गई है आप सभी की इवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं आज हम बुला लो बुला लो अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो लाइक like कर दो सेशन को शेयर कर दो अपने अपने ग्रुप में और सब्सक्राइब करो ग्रेड अप नीट चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हेलो वहनम हेलो उम्मी गुड आफ्टरनून एवरीवन कहाँ है सभी बच्चे फटाफट से ज्वाइन करो यार सेशन को बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है एवोल्यूशन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ एनसीआर के जो इंपॉर्टेंट लाइंस है जिसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में ओके okay, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी इंक्लूडेड है सेशन में सो so, बेसिकली हम लोग पूरा एवोल्यूशन जो है समराइज कर लेंगे हेलो प्रियम सो फटाफट बुला लो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो इस सेशन को हेलो अजाज़ बॉटनी क्लास में है सभी अच्छा सभी बॉटनी क्लास में बिजी यार जल्दी आ जाओ बुला लो सभी को यहाँ पर ओके लेट्स वेट लेट्स वेट बॉटनी क्लास फिनिश हो जाने दो ख़त्म हो जाने दो फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन ओके ओके बॉटनी क्लास इज गोइंग ऑन ओके नो प्रॉब्लम ख़त्म होने दो क्लास ओके तब तक दूसरे फ्रेंड्स को बुला लो जो बॉटनी क्लास में नहीं है हाँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समराइज कर लेंगे आज ही वॉल्यूशन चैप्टर से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं फटाफट लाइक कर दो सेशन को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में जो नहीं है बच्चे उनको भी बुला लो और सब्सक्राइब कर दो ग्रेडअप नीट चैनल को अगर आप नए बच्चे और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हेलो राहुल चलो तब तक मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जी एन एस टी इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन थर्टीन एंड फोर्टीन मार्च हेलो मोमिन यस याशु सो जी एन एस टी क्या है जी एन एस टी है ग्रेडअप नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट अगर आप क्लास नाइन्थ में हो टेंथ में हो या इलेवेंथ ट्वेल्थ में हो जे और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो इसमें टॉप थाउजेंड स्टूडेंट्स जो हैं उनको मिलेगा टू करोड़ का स्कॉलरशिप एंड एक्साइटिंग प्राइजेज हेलो स्नेहल गुड आफ्टरनून हाँ लाइक लाइक कर दो यार फटाफट से एंड यस नीट रिविजन महोत्सव चल रहा है जिसमें नीट फुल सिलेबस रिविजन हो रहा है ना मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पता है आप सभी को सो so, क्ला uh, सात बजे से लेके ग्यारह बजे तक आपकी क्लासेस होती है केमिस्ट्री की बॉटनी की जुअलॉजी की एंड फिजिक्स की राइट सो डोंट फोर टू अटेंड दिस री नीट रिविजन महोत्सव हेलो छवि एंड यस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन सब्सक्राइब कर दो अप नीट चैनल को लाइक like कर दो और प्रेस द बेल आइकन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ठीक है तो फटाफट से फटाफट से कर दो बेल आइकन प्रेस करने से आपको सारे नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिलते रहेंगे ओके सो चलिए स्टार्ट करते इवोल्यूशन होप काफी सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं लेट मी सी कहा है सभी बच्चे यार फटाफट से आ जाओ बॉटनी क्लास खत्म नहीं हुई क्या अभी तक hmm, नहीं हुई क्या बॉटनी क्लास खत्म छवि स्नेहल इज बॉटनी क्लास स्टिल गोइंग ऑन अच्छा याद रखो जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताती हूँ ना सिर्फ वो आपको समझना है बट उसको आपको नोट डाउन भी करते जाना है जहां भी मैं स्टार मार्क करती हूँ दैट मीन दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू गुड आफ्टरनून मोहम्मद अमार ठीक है एंड जो रेड में लिखा होता है ना नोट्स में पी भी आपको मिल जाता है तो जो रेड में लिखा होता है दैट मीन्स दो हर इम्पोर्टेंट पॉइंट जिनको आपको मेमोराइज करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास आई यू ऑल रेडी रेडी है सभी बच्चे अपने नोटबुक के साथ एन के साथ पेन pen, पेंसिल के साथ रेडी एवरी वन हेलो शिखा हेलो अनमोल तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन हेलो हिमांशु गुड इवनिंग गायत्री रुशिका अच्छा वेट करूं ठीक है वेट करती हूं होप जल्दी खत्म हो जाएगी आपकी क्लास कितना टाइम हो रहा है अच्छा टाइम तो हो चुका है हमारे क्लास का भी चलो स्टार्ट करते हैं हम रेडी शिखा प्रकाश चलो तो सबसे पहले बात करते हैं हम इवोल्यूशन का इवोल्यूशन होता क्या है ये टर्म जो है ना इवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है इस टर्म का मतलब होता है बेटा टू अनफोल्ड टू रिवील समथिंग ठीक है तो जो evolution है ना इस टर्म का मतलब होता है टू रिवील समथिंग टू ओपन ओके हाँ बिल्कुल हिमांशु कर लो बॉटनी क्लास ओवर स्टार्ट कर दे ओके okay, गायत्री यस मलिक प्रिंस अच्छा आप भी बहुत न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ग्रेडअप नीट चैनल को ठीक है तो <laughs> so, चलो इवोल्यूशन का मतलब पहले हम जानते हैं ये जो टर्म है ना इवोल्यूशन इसका मतलब होता है टू अनफोल्ड टू अनफोल्ड या आप बोल सकते हो टू रिवील टू रिवील समथिंग राइट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को क्या बोला जाएगा दिस इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ इसके स्टडी को ही बोला जाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी राइट सिंपल नाउ ये yeah, शेयर कर दो प्रीति बेटा ओके okay, प्रकाश इज आल्सो अ न्यू स्टूडेंट ठीक है फिर आप भी सब्सक्राइब जरूर करके जाना बिना सब्सक्राइब करे मत जाना ठीक है <laughs> ना तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि नीट में ना कुछ डेट्स पूछे जाते हैं कि कितने साल पुराना है हमारा अर्थ हमारा यूनिवर्स पहला लाइफ फॉर्म कब आया है ना ए सेलुलर फॉर्म कब आया पहला सेल जो है कब आया तो ये सब जो पॉइंट्स है सब जो आपको पता होना चाहिए ओके okay? तो सब जो है मैंने अपने सेशन पीडीएफ जब मिलेगा यूनिवर्स बार -बार तो है हमारा ये जो यूनिवर्स है दिस इज अराउंड ट्वेंटी बिलियन ईयर ओल्ड अकॉर्डिंग टू एन ओके ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ बुक्स में आपको कुछ डिफरेंट डेट्स मिले कुछ डिफरेंट ईयर्स मिले बट यू विल स्टिक टू एन सी आर टी एज ऑलवेज सो आर यूनिवर्स इज ट्वेंटी बिलियन ईयर्स ओल्ड एंड द पॉपुलर थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी ये बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है कि आर यूनिवर्स हैज़ ओरिजिनेटेड विद द बिग एक्सप्लोशन राइट नाउ याद रखो अर्थ का बात करें यूनिवर्स का तो बात कर लिया अगर अर्थ का बात करें तो अर्थ इज अराउंड फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स ओल्ड 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड अकॉर्डिंग टू एन ठीक है जब अर्थ बना था ना उस टाइम पे अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था देर वॉज नो एटमोसफियर अर्थ सिर्फ एक आग का गोला था देर वर ओनली वाटर वेपर्स मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया ये सब जो है ये सब गैसेस कैसे एग्जिस्ट करें ये सब गैसेस एग्जिस्ट करें बाय बाय मोल्टन मास ये जो मॉल्टन मास था जो बिग बैंग के वजह से बना था इससे ये सारे वाटर पेपर्स मिथेन कार्बन अमोनिया ये सब बहुत बाद में बने राइट और उसने जो है अर्थ के सरफेस को कवर कर लिया नाउ लाइफ अपियर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज आज एन एग्जाम लाइफ अपियर लाइफ अपियर अराउंड फाइव हंड्रेड मिलियन ईयरस अगो ठीक है तो ये सारे डेट्स जो है आपको याद होने चाहिए ठीक नौ क्या क्या डेट आपको याद होगा याद होना चाहिए एक तो यूनिवर्स कब बना यूनिवर्स इज ट्वेंटी बिलियन ईयर्स अगो ओल्ड अर्थ कब कितना ओल्ड है अर्थ का कितना एज है अर्थ कब बना तो अर्थ बना 4.5 बिलियन ईयर्स पहले एंड पहला लाइफ फॉर्म अर्थ में कब आया कब आया 500 मिलियन ईयर्स अगो समझ गए तो so, ये तीन डेट्स आपको ध्यान में रखने हैं एंड यू आर गोइंग टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन मोल्टेन मास का मतलब है मेटा मोल्टेन मास का मतलब है पिघला हुआ मेटल ओके okay? पिघला हुआ मेटल यस इट इज एनफ फॉर नीट इट इज एनफ फॉर नीट व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू इज एनफ फॉर नीट प्लीज अंडरस्टैंड नाउ कमिंग टू ओरिजिन ऑफ लाइफ ओके okay? तो सबसे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे थ्योरीज दी कि, कि किस तरह से जो है लाइफ ओरिजिनेट हुआ सबसे पहले अर्थ में ठीक है एक थ्योरी दी गई थी जिसे बोला जाता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब है कि लाइफ जो है लाइफ जो है वो स्पॉन्टेनियसली अचानक से ठीक है किसी भी सोर्स से जो है ओरिजिनेट हो सकता है चाहे वो गार्बेज uh, है चाहे वो स्वेट है बट दिस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज 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 बेसिकली वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड और एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया लुइस पाश्चर ने सो लुइस पाश्चर वॉज द वन जिन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया डिसअप्रूव किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ वाले थ्योरी को फाइन वेरी गुड प्रिंस हैलो रूबी है ना सभी नए बच्चे जो है बेटा डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन बाकी सभी बच्चों को तो पता है एंड सब्सक्राइब करना है आपको ग्रेडअप नीट चैनल को क्योंकि बहुत सारे वन बहुत सारे वन शॉट लेक्चर्स आप सभी के लिए आने वाले हैं तो लुइस पाश्चर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ जो है ये गलत थ्योरी है और जो लाइफ फॉर्म है वो बनता है हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से किससे बनता है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से यस yes. हेलो दिव्या सो so, कैसे उन्होंने ये प्रूफ किया उन्होंने एक स्वान नेक का फ्लास्क लिया सो बेसिकली दिस इज आज इन नीट क्या पूछा जाता है नीट में लुइस पाशर का एक्सपेरिमेंट जो है वो कौन सा था तो योर आंसर विल बी दैट वॉज स्वान, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट ओके जिसके बेसिस पे उन्होंने जो है डिसअप्रूव किया जनरेशन ऑफ लाइफ के थ्योरी को उन्होंने क्या लिया एक ऐसा फ्लास्क लिया जिसका नेक कैसा था स्वान के तरह था और उन्होंने क्या किया उन्होंने जो है उस प्री स्टरलाइज फ्लास्क में क्या डाला किल्ड किल्ड ईस्ट डाला ठीक है बट उस किल्ड ईस्ट से जो है जब उसको बॉईल किया गया और बाद में उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया गया बट वहाँ पर कोई भी लाइफ फॉर्म जनरेट नहीं हुआ बट जब वो कर्व्ड नेक को हटा दिया गया तब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हुआ इनसाइड दैट फ्लास्क सो so, बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहे थे क्या बोलना चाह रहे थे बेसिकली वो बोलना चाह रहे थे कि जो लाइफ है वो स्पॉन्टेनियसली अचानक से जनरेट नहीं होता है जो लाइफ है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही जनरेट होता है कि कोई एक लिविंग सेल से ही दूसरा लिविंग सेल बन सकता है राइट समझ में आया तो दिस स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय ओके एवरीवन राइट हेलो ललित चलो अगर ये समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं सारी थ्योरी सारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस ओके नाउ यस बिग बैंग थ्योरी वॉज अ सक्सेस यस राइट बिटा नाउ कमिंग टू ओपेर एंड हालडेन ओपेरन एंड हार्डे ने दिया था एक थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन जिसे बोला जाता है केमिकल इवोल्यूशन क्या बोला जाता है उसे केमिकल इवॉल्यूशन उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला कि आ, जो लाइफ फॉर्म है जो लाइफ है जो आज एग्जिस्ट करता है वो आया है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सो बेसिकली केमिकल्स जो हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हैं वो बनाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड फाइनली वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय ओपेरन ऑफ रशिया एंड हॉलडेन ऑफ इंग्लैंड राइट नाउ उन्होंने क्या बोला कि पर इस इवोल्यूशन के लिए पर इस जनरेशन ऑफ लाइफ के लिए कौन कौन से कंडीशंस चाहिए द कंडीशंस आर हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होना चाहिए वॉल्केनिक स्टॉम्स होना चाहिए रिड्यूसिंग एटमोसफियर होना चाहिए तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि प्रिमिटिव एटमॉसफेयर कैसा था प्रिमिटिव एटमोसफियर कैसा था तो कैसा था रिड्यूसिंग एटमोसफियर था ठीक है वाई बिकॉज ऑक्सीजन वॉज नॉट देयर यस हाइड्रोजन वॉज देयर

इसके अलावा देर वॉज अमोनिया देर वॉज मीथेन दर वॉज हाइड्रोजन बट बट नो ऑक्सीजन ये याद रखना है ना एक टर्म दिया गया था हॉट डाइल्यूट सूप ठीक है हॉट डाइल्यूट सूप बोला गया था किसको बोला गया था सी को सी को बोला गया था क्यों क्योंकि सी जो है सी ने एक्ट किया एज अ सूप जिसके अंदर थे काफी सारे इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट जो कन्वर्ट हुए इंटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने दिया सबसे पहले लाइफ फॉर्म सो हॉट डाइल्यूट सूप वॉज द टर्म यूज फॉर सी ओके एंड बोला गया कि इस सी से ही ओरिजिनेट हुआ फर्स्ट लाइफ फॉर्म फर्स्ट लाइफ फॉर्म सो कैन यू टेल मी हॉट डाइलूट सूप ये टर्म किसने दिया था वेरी गुड प्रिंस अच्छा मेरे पूछने से पहले ही जो है जवाब आ गया सो दिस हॉट डैल्यूट सूप जो टर्म है this was used by Haldane, और ये जो है टर्म उन्होंने यूज किया था फॉर सी फॉर सी वेरी गुड नाउ एक्सपेरिमेंटली दिस थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन वॉज प्रूवन बाय मिलर बस प्रूवन बाय मिलर कौन से साल में कौन से साल में हालडेन वेरी गुड दिव्या प्रिंस ललित कौन से साल में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1953 में कब किया था 1953 में सो so, मिलर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रूव्ड प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली द थ्योरी ऑफ द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन याद रखना ये सब नीट के है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन वॉज एक्सपेरिमेंटी एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाई मिलर इन दर नाइनटीन फिफ्टी थ्री ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इस डेट को आपको याद रखना है बिल्कुल बिल्कुल आया था एग्जाम में सारे टेस्ट में पूछा जाता है एनसीईआरटी में दिया हुआ है नीट में जो है पूछा गया है ना उन्होंने क्या किया मिलर ने मिलर ने एक सेटअप किया उस सेटअप ने उन्होंने रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर जैसे था हमारे प्रिमेटिव अर्थ में वैसा जनरेट करने का कोशिश किया तो उन्होंने कौन कौन से गैसेस लिए? उन्होंने गैसेस लिए मीथेन, देन अमोनिया वाटर वेपर्स एंड हाइड्रोजन तो वो सारे गैसेस उन्होंने लिए जो उस टाइम पे प्रेजेंट था देन ही यूज स्पार्क डिस्चार्ज टू गेट दैट टेम्परेचर ऑफ प्रिमेटिव अर्थ और कितना टेम्परेचर था 800 डिग्री सेल्सियस ये भी एग्जाम में पूछा जाता है तो ये भी आपको याद रखना है फाइन, so, uh, में उन्होंने same condition जो है क्रिएट करने का कोशिश किया बाय ऑल दीज गैसेस एंड वाटर वेपर्स विद 800 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनली उनको क्या मिला उन्हें मिले अमीनो एसिड सो प्रूव कर दिया उन्होंने कि केमिकल इवोल्यूशन होता है इनऑर्गेनिक जो है मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड फाइनली अमीनो एसिड्स कैन बी फॉर्म्ड राइट कौन कौन से अमीनो एसिड्स कौन कौन से अमीनो एसिड्स मिले जल्दी बताओ नए बच्चे ग्रेड अप नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो कौन कौन से अमीनो एसिड्स मिले यस अखिलेश हाँ कौन कौन से अमीनो एसिड्स मिले फटाफट बताओ हुँ? टेलीग्राम चैनल है बेटा डॉक्टर प्रियंका डे डॉक्टर प्रियंका डे इस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो सारे पी डी एफ यहां पर मिल जाएंगे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो ठीक है कौन सा अमीनो एसिड इन्हें मिले ग्लाइसिन ग्लाइसिन इसके अलावा एलिनीन एंड एस्पार्टिक एसिड ओके सो दीज वर दर्स्ट दीज वर दर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट अमीनो एसिड जो उन्हें मिला जो उन्हें मिला और उसके बाद उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया उन्हें और भी बहुत सारे जो है अमीनो एसिड्स मिले इंक्लूडिंग ग्लूटामिक एसिड एंड मैनी 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 अमीनो एसिड्स सो इनिशियली उन्हें मिले तीन अमीनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन एलानिन एंड एस्पैटिक एसिड ओके नाउ कमिंग टू द फर्स्ट नॉन सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ द फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ जिन्हें बोला जाता है प्रोटोबायोन्स क्या बोला जाता है प्रोटोबायोन्स ये जो प्रोटोबायोन्स है ना ये दो प्रकार के होते हैं दो तरह के होते हैं एक होता है क्वेसरवेट्स एक होता है क्वेसरवेट्स ये एनसीईआरटी में नहीं है थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूं और दूसरा होता है माइक्रोस्फीयर ठीक है माइक्रोस्फीयर ये है फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स ऐसा बोला गया कि जब अमीनो एसिड बनने लगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब बनने लगे न्यूक्लिक एसिड बनने लगे ओके लिपिड्स बनने लगे तब उसके बाद फर्स्ट नॉन सेल्युलर फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट किया जिन्हें बोला जाता है प्रोटोबायो मतलब कि प्रिमिटिव प्रिमिटिव लाइफ और उनका नाम था कोसरवे एंड माइक्रोस्फीयर गिवन गिवन बाय सिडनी फॉक्स माइक्रोस्फेयर जो है टर्म दिया गया था और डिस्कवर किया गया था सिडनी फॉक्स बट हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे बेसिकली बट इतना याद रखो क्वैसरवेट्स और माइक्रोस्फेयर क्या हैं ये एक तरह के सेल uh, जैसे स्ट्रक्चर है नॉट एग्जैक्टली सेल जिसके अंदर है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और बाहर से है वाटर फिल्म इन केस ऑफ क्वैसरवेट्स एंड बाहर से है लिपिड का लेयर इन केस ऑफ माइक्रोस्फेयर सो क्वैसरवेट्स में क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सराउंडेड बाय सराउंडेड बाय सराउंडेड बाय वॉटर फिल्म सराउंडेड बाय फिल्म ऑफ वॉटर ओके सो बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये एनवायरनमेंट से जो है ये एनवायरनमेंट से जो है थोड़े से अलग हो गए थे ये डिवाइड कर सकते थे लाइक अ सेल लाइक अ सेल नाउ

So, पहला लाइफ नॉन सेल्यूलर फॉर्म जो है वो आया अराउंड थ्री बिलियन ईयर्स अगो ये जाइंट मॉलिक्यूल्स थे जिसके अंदर था आरएनए एन एंड पॉलीसेक्राइड लाइंड बाय सराउंडेड बाय वाटर फिल्म नोन एसरवे एंड सराउंडेड बाय लिपिड मेम्ब्रेन नोन एस फाइन ना पहला सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ पहला सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब ओरिजेनेट हुआ अराउंड टू थाउजेंड मिलियन ईयर्स अगो कब हुआ टू थाउजेंड मिलियन ईयर्स अगो तो आपको क्या करना है ये जो मैं पी डी एफ आपको प्रोवाइड करूँगी ना बेटा इसमें जो भी मैंने रेड से लिखा है ना उसको आपको बार बार रिवाइज करते जाना है ओके हेलो शरीश यश शैली वेरी गुड ललित

ओके okay. ये जो नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी है इसमें ना सिर्फ कंट्रीब्यूशन चार्ल्स डार्विन का था बट वैल्स जो थे उन्होंने भी जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया था फॉर दिस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने एक बुक भी लिखी थी बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कौन सी ईयर में लिखी गई थी ये बुक 1859 में तो बुक का नाम आपको याद रखना है हेलो सपन ठीक है सो so, बुक का नाम क्या था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन द ईयर 1859 फिफ्टी ना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एन में भी दिया हुआ है और जो प्रिवियसर क्वेश्चन है जो नीट में पूछा जाता है वो है ये है कि डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच टू बुक्स ठीक है डार्विन जी ने जो बुक लिखी थी जो थ्योरी दी थी ये जो है उनका ओरिजिनल आइडिया नहीं था

एंड जो है इसके कंसेप्ट पे बेस्ड उन्होंने अपना थ्योरी दिया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन टुगेदर विथ वेलिस और उन्होंने एक बुक लिखा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अंडरस्टूड एवरीवन वेरी गुड दिव्या समझ गए सभी बच्चे चलो समझ गए तो लाइक कर दो सेशन को सब्सक्राइब कर दो अप नीट चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो क्स्ट लेट सी क्या थे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसका एक हमने चार्ट बना लिया है और चलिए देखते हैं इस चार्ट को समझते हैं अंडरस्ट माइंड में सेव हो रहा है वेरी गुड अजीम सो इस चार्ट में सबसे पहले जो उन्होंने uh, स्टेप्स दिए उन्होंने जो है अपनी बुक में कुछ स्टेप्स को मेंशन किया कि इवोल्यूशन या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज के लिए कुछ स्टेप्स रिस्पॉन्सिबल है सो so वो कौन से स्टेप्स है बच्चे वो स्टेप्स है पहला इनॉर्मस रेट ऑफ रिप्रोडक्शन अमंग एनिमल उन्होंने एक टर्म यूज़ किया था जिसे बोला जाता है फिटनेस राइट right? और फिटनेस से उनका मतलब था रिप्रोडक्टिव फिटनेस ओके तो उन्होंने बोला कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास इनॉर्मस पावर होता है रिप्रोडक्शन का कोई भी ऑर्गेनिज्म ना जितना रिप्रोड्यूस करेगा उतना उसका सर्वाइवल के चांसेस हैं उतने चांसेस हैं कि उसका जो प्रोजेनी है वो आगे सर्वाइव करे उसके जो जीन्स है वो आगे बढ़े एंड उसको उन्होंने बोला क्या रिप्रोडक्टिव फिटनेस सो ए रेट ऑफ रिप्रोडक्शन अमंग एनिमल्स ओके बहुत ज्यादा जो है आ, पावर है ऑर्गेनिज्म के पास रिप्रोड्यूस करने का अपने प्रोजेनिस क्रिएट करने का बट 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 क्या है रिसोर्सेज तो लिमिटेड है रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड है कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ एनिमल अ स्पीशीज ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है बिकॉज ऑफ लिमिटेड सोर्सेज ओके रिसोर्सेज तो लिमिटेड है सबको जो है फ्लरिश करने के लिए रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे और उसको क्या बोला गया उसको बोला गया स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस इसके बाद क्या होगा स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस रिसोर्सेज कम है तो जितने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स है उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा और कॉम्पिटिशन होने के वजह से क्या होगा आएगा वेरिएशन और जिसमें जो है फेवरेबल वेरिएशन आया वो ही वो ही आगे चल के सर्वाइव करेगा सो दैर इज़ हेरिटेबल वेरिएशन हेरिटेबल वेरिएशन का मतलब है ऐसे वेरिएशन जो आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे और उसे को ही बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन सो बेसिकली जिसका वेरिएशन जिसका भी वेरिएशन जो है फेवरेबल uh, है वो सर्वाइव करेगा उस एनवायरमेंट uh, में और जिसका जो है वेरिएशन अनफेवरेबल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा बट उन्होंने क्या नहीं बोला है ना उन्होंने बोला ये वेरिएशन आता है ठीक है क्वेश्चन मार्क इज देयर उन्होंने बोला वेरिएशन आता है पर ये वेरिएशन कैसे आता है क्या उन्होंने बताया नहीं सो दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ हिस्स थ्योरी ये वेरिएशन कैसे आता है उन्होंने ये नहीं बताया ये वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कैसे होता है वो भी उन्होंने नहीं बताया ओके सो सो अल्टीमेटली नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट विल लीड टू कंटिन्यूस एनवायरमेंटल चेंजेस सो बेसिकली बेसिकली ये जो चेंजेस जो हेरिटेबल चेंजेस है जो हेरिटेबल वेरिएशंस है जैसे वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते रहेंगे बिकॉज ऑफ विच देर विल बी डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू स्पीशीज तो इनके की क्या थे थ्योरी का अगर हम बात करें तो इनके की कंसेप्ट थे स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन ठीक है इसे आप दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं क्या ब्रांचिंग डेंट क्या बोल सकते हैं ब्रांचिंग डेंट एंड सर्वाइवल ऑफ़ द फिटस्ट या जिसे बोला जाएगा नेचुरल सिलेक्शन सो दीज वर दीज वर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डारम ब्रांचिंग डिसेंट डेट मीन डिसेंट विद मॉडिफिकेशन ठीक है कोई भी वेरिएशन आया कोई भी चेंजेस आया एक जनरेशन में वो पास ऑन होगा दूसरे जनरेशन में और उस चेंजेस की वजह से जो है नेक्स्ट जनरेशन वो सरवाइव कर पाएगा एंड अल्टीमेटली होगा उनका नेचुरल सिलेक्शन एंड फाइनली देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज ओके सो सबसे बड़ा बात है सबसे बड़ा बात है कि देर आर सर्टन ड्रॉबैक्स ऑफ द्रॉबैक्स वर हाउ दैरिएशन केम इन टू एक्सिस्टेंस ओके सो ड्रॉबैक क्या था ड्रॉबैक क्या था कि ये जो है वेरिएशन वो कैसे आए वेरिएशन कैसे आए और ये वेरिएशन पास ऑन कैसे हुए नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पहुंचे नेक्स्ट जनरेशन में ये नहीं बताया था उन्होंने राइट अंडरस्टूड अब हम देखेंगे ये किसने फिर क्लियर किया वेरी गुड चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज कैन यू सी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि नीट में पूछा जाता है सम वर्ड दैट वॉज यूज बाई डार्विन वॉज फिटनेस ऑफ़ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन उन्होंने एक टर्म यूज किया था फिटनेस फॉर इंडिविजुअल और पॉपुलेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट टर्म है बट उसका मतलब क्या है उसका मतलब है अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस का मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस ओनली ये स्टेटमेंट को आप याद रखोगे क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है नीच में द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डारविन वॉज रिप्रोडक्टिव फिटनेस अंडरस्टुड सेक्शुअल सिलेक्शन येस यू कैन से नाउ दोज हुर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट लीव मोर प्रोजेजर यस जो ज्यादा फिट है जो ज्यादा रिप्रोडक्टिवली एडवांस है जो ज्यादा प्रोजेनिस जो है पैदा कर सकता है उसी का लाइफ फॉन्ग उसी वही जो स्पीशीज है वो आगे चल के सर्वाइव करेगा और जो है उसके प्रोजेनिस आगे चल के फ्लरिश करेंगे फाइन नाओ हीट जो जितने ज्यादा प्रोजेनिस प्रोड्यूस करेगा दे विल सर्वाइव मोर एंड हेंस आर सिलेक्टेड बाय द नेचर ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन राइट नाउ नाउ अल्फ्रेड अ नेचुरलिस्ट वर्ल्ड इन मलय हैड कम टू द सिमिलर कंक्लूजन एट द सेम टाइम तो क्या पूछा जाता है इस इसपे भी नीट का क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है कि डार्विन्स थ्योरी वॉज सपोर्टेड बाय सो डार्विन्स थ्योरी वॉज सपोर्टेड बाय किसने सपोर्ट किया था डार्विन का थ्योरी अल्फ्रेड वलस ने ठीक है मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला भी होगा मेरे भी कोई क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में आया होगा एंड ही वर्कड वेयर ही वर्क इन मल आर्चिपलेगो आइलैंड नाउ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ गायत्री यस राइट 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 मैंने पढ़ाया हुआ है ऐप में बट सिंस इट इज नॉट गिवन इन एनसीआरटी मैं उतना ज्यादा कवर उसको नहीं करूंगी आई विल कम टू दैट पॉइंट ओके प्रलय नहीं मले ओके मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है बेटा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ रेवल्यूशन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ टुडे तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी वही है गिवन बाय डॉबजेंस की राइट आई विल कम टू दैट पॉइंट पर बाद में पहले हम uh, और डार्विनिज्म कर लेते हैं समझ गए चलो ना uh, याद रखो याद रखो कि लेमार्क uh, का थ्योरी डार्विन का थ्योरी एंड अल्टीमेटली आया म्यूटेशनल थ्योरी गिवन बाय बायो डिवरीज और उसके बाद आया मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी गिवन बाय डॉब्जेंस की ठीक है तो उन्होंने जो है उन्होंने बताया कि जो एवोल्यूशन uh, है या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वाइर्ड करेक्टरिस्टिक्स इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इट इज़ ड्यू टू म्यूटेशन अंडरस्टूड सो दिस इज नोन एज मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी ओके गिवन बाई डॉब्जें हेलो साजिद नाउ नेक्स्ट इज वॉट आर द एविडेंसिस ऑफ एवोल्यूशन एवोल्यूशन के कौन कौन से एविडेंसिस हैं जिसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि हाँल्यूशन तो हुआ है एवोल्यूशन का मतलब क्या मतलब है चेंजेस इन द लाइफ फॉर्म राइट सबसे पहले हम बात करते हैं बेयर्स लॉ की वट इज बेयर्स लॉ ठीक है ये सारे लॉज इंपॉर्टेंट में जो भी नाम इस आपको स्लाइड में नजर आ रहा है ना लाइक रिकेपिचुलेशन थ्योरी मिलर हीकल ऑनटोजैनी फाल ये सब इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेयर्स लॉ की बेयर्स लॉ क्या बोलता है एन ऑर्गेनिज्म समझने का कोशिश करना एन ऑर्गेनिज्म शोज इट्स एंसेस्टरल स्टेज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उस एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट में जो स्टेजेस होते हैं ना वो सारे स्टेजेस होते हैं सिमिलर टू सिमिलर टू द एंसेस्ट्रल स्टेजेस राइट हमने पढ़ा कि सबसे पहला लाइफ फॉर्म जो था वो था यूनील्युलर लाइफ फॉर्म यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम से बने मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म पहले जो है एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स आए फिर एम्फीबियंस बने फिर रेप्टाइल्स बने फिर बने, फिर बने, फिर बने आ, बर्ड्स एंड मैमल्स, राइट सो इसे क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है एंसेस्ट्रल स्टेजेस. तो इसी तरह से जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है सो इन एम्ब्रियो स्टेज जनरल कैरेक्टर्स अपेयर्स फर्स्ट एंड स्पेशलाइज कैरेक्टर्स अपेयर्स लेटर ठीक है उन्होंने एम्ब्रियो का जो है डिटेल में स्टडी किया और ही केम टू द कंक्लूजन की ऑलमोस्ट सारे एम्ब्रियो अगर हम बात करें वर्टिब्रेटा के वेटी so, के सारे एम्ब्रियो जो है इनिशियली वो सेम दिखते हैं उनके सारे जनरल कैरेक्टर्स पहले आते हैं एक जैसे दिखते हैं और धीरे धीरे फिर वो स्पेशलाइज कैरेक्टर्स में डेवलप होते हैं ओके ओके हाँ रेड कलर वाले सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है बेटा सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है ठीक है सो बेयर्स लॉ बोलता है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पहले अपेयर करते हैं एम्ब्रियो में एंड उसके बाद आते हैं स्पेशलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स फाइन नाउ सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए री कैपिचुलेशन थ्योरी किसने दी है तो आप क्या बोलोगे हीकल ने क्या बोलोगे हीकल ने पर आप जो है गलत हो तो आपको सबसे पहले बोलना है कि म्यूलर वाज़ द वन म्यूलर वाज़ द वन जिन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था री कैपिचुलेशन थ्योरी क्या प्रपोज किया था रिकेपिचुलेशन थ्योरी क्या होता ये थियोरी? ये थियोरी है ये थ्योरी यह थ्योरी है ऑन्टोजैनी रिकैपचुलेट फाइलोजेनी रिकैपुलेट का मतलब क्या होता है रिपीट क्या होता है मतलब रिपीट ओके सो ऑन्टोजेनी रिपीट करता है फाइलोजेनी को अब ये ऑन्टोजेनी क्या है क्या होता है ऑन्टोजेनी तो उसका भी डेफिनेशन है हमारे पास ऑनटोजेनी इज द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन ओन लाइफ टाइम ऑन्टोजेनी का मतलब है कि एम्ब्रियो कैसे फीटस में बनता है फीटस कैसे जो है फिर लार्वा फिर एडल्ट बनता है इस डेवलपमेंटल हिस्ट्री को बोला जाता है ऑन्टोजेनी समझ में आया सभी को है ना हमेशा हमेशा जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑन्टोजेनी क्या है फाइलोजेनी क्या है सो so, का मतलब है का मतलब है डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंटल हिस्ट्री ठीक है कि कैसे वो एम्ब्रियो से फीटस बना कैसे वो फीटस से लार्वा बना कैसे वो लार्वा से एडल्ट बना नेक्स्ट इज फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का मतलब है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ स्पीशीज कि वो स्पीशी कैसे आया ओरिजिनेट हुआ कि पहले आए सबसे पहले आए एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स फिर आए एम्फीबियंस फिर आए रेपटाइल्स और उसके बाद सो एंड सो सो दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज फाइलोजैनी सो ऑनटोजैनी विल ऑलवेज रिपीट फाइलोजैनी फाइलोजेनी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ अ स्पीशीज एक स्पीशी जैसे ओरिजिनेट किया पहले गिल्स हुआ करते थे ऑर्गैनिज्म में फिर वो एम्फीबियंस बने दोनों टाइप का एस्पिरेशन कर सकते हैं फिर जो है उनमें लंग्स डेवलप हुए तो इसी तरह से जो है ऑन्टोजेनी भी चलता है फाइन नाउ इट मीन्स एन ऑर्गेनिज्म शोज इट्स एंसेस्ट्रल एडल्ट स्टेजेस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने एंसेस्ट्रल एडल्ट स्टेजेस को शो करता है ठीक है तो so, इससे ये प्रूव होता है कि कहीं ना कहीं ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम कॉमन एनसेस्टर एंड दिस इज़ वॉट इज रिकैपिचुलेशन थ्योरी ओके okay, एवरीवन यार समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो ना सेशन को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो अप नीट चैनल को अगर आपने नहीं किया है अभी तक नाउ हीकल जो थे हीकल ने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था और इन्होंने इसको नाम दिया था बायोजेनेटिक लॉ ये जो रिकेप्युलेशन थ्योरी है इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करके अर्नेस्ट हीकल ने जो है इनको नाम दिया था बायोजेनेटिक लॉ तो अगर आपसे पूछा जाए बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया है तो आप बोलोगे हीकल ने अगर आपसे पूछा जाए रिकेप्युलेशन थ्योरी किसने दिया है तो आप बोलोगे म्यूलर ने समझ गए सभी बच्चे है ना डिफरेंस समझ में आया ना सभी बच्चों को चलो समझ में आ गया है तो होमोलोगस ऑर्गन पे आते हैं वट इज होमोलोगस ऑर्गन होमोलोगस नाम से समझ में आ रहा है कॉमन ओरिजिन या यू कैन से सेम स्ट्रक्चर होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं होमोलोगस मतलब उनमें होता है स्ट्रेंज सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन अगर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन इजेंटेड तो ये तो कितनी बार पूछा गया है नीट में नीट का जो है ये फेवरेट टॉपिक है सो so, नीट में होमोलोगस ऑर्गन एनालोगस ऑर्गन अडेप्टिव रेडिएशन इजेंटेड यही तो पूछा जाता है सो होमोलोगस ऑर्गन जिनका सेम ओरिजन होता है एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट सेम होता है बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है पर होता है डिफरेंट फंक्शन पर होता है डिफरेंट फंक्शन नाम से समझ में आएगा हेलो राहुल होमोलोगस सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन राइट सो क्या है एग्जाम्पल होमोलोगस ऑर्गन के होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल है uh, फूट फोरलिम्स ऑफ मैमल फोर लिम्ब ऑफ मैमल मैमल के फोर लिम्स जैसे कि हॉर्स जो है हॉर्स जो है वो रनिंग में यूज करेगा बैट का फोरलिम है विंग्स में मॉडिफाइड तो वो उसको फ्लाइंग में यूज करेगा व्हेल का फोर लिम्ब जो है वो मॉडिफाई हो गया इन टू पेडल तो वो उसको स्विमिंग में हेल्प करेगा सील का फोरलिम्ब चेंज हो गया है इन टू फ्लिपर्स तो वो भी उसको स्विमिंग में हेल्प करेगा मैन के जो है फोर लिम्स हैं हैंड्स और हम उसको होल्डिंग में हेल्प करते हैं तो फोर लिम्स ऑफ मैमल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ऑफ होमोलोगी अंडरस्टर्ड समझ में आया कि सेम रिजन सेम स्ट्रक्चर बट फंक्शन है डिफरेंट डिफरेंट कोई रनिंग में यूज कर रहा है कोई फ्लाइंग में यूज़ कर रहा है कोई स्विमिंग में यूज़ कर रहा है और कोई होल्डिंग में यूज कर रहा है राइट right? दूसरा दूसरा है माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स की बात करें तो माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है स्ट्रक्चर में सेम है बट अलग अलग फंक्शन है जैसे कि कॉकरोच का किस तरह का माउथ पार्ट है बाइटिंग एंड च्यूइंग वो हेल्प करता है बाइटिंग एंड च्यूइंग में हनी बी चुइंग एंड लैपिंग में यूज करता है माउथ पार्ट एंड मॉस्किटो यूज करता है प्योरसिंग एंड सकिंग में सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगी गुड आफ्टरनून अनुष्का सभी बच्चे समझ में आ रहा है ना ना होमोलोगी और भी एग्जाम्पल है होमोलोगी इज ऑल्सो सीन इन द स्केलेटन हार्ट ब्लड वेसल्स एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रास सभी का स्ट्रक्चर तो सेम है बट फंक्शन अलग अलग है थॉर्न्स ऑफ विला एंड टेंडरल ऑफ क्यूकरबिटा अगेन स्ट्रक्चर सेम है वेरी इंपॉर्टेंट ये तो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है अगेन स्ट्रक्चर सेम है दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड पढ़ा होगा आप सभी बॉटनी में पढ़ा या नहीं पढ़ा है पढ़ावट बताओ पड़ा है सो टेंड्रिल्स टेंड्रिल्स हेल्प करता है इन होल्डिंग एंड थॉर्न्स जो है वो हेल्प करता है इन प्रोटेक्शन दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स बर्ड्स बट स्ट्रक्चर सेम है बट काम डिफरेंट डिफरेंट है वैसे ही विंग्स ऑफ स्पैरो एंड पेक्टोरल फिन ऑफ फिश सो दीज आर सम्पल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन और भी एग्जाम्पल्स है लेट सी जो डायग्राम है कि ये क्या शो कर रहा है डायग्राम तो ये जो डायग्राम्स है ये शो कर रहा है होमोलोगी होमोलोगस ऑर्गन्स राइट होमोलोगस ऑर्गन्स ओके नाउ नाउ हैंडलिम्स ऑफ मैमल्स जैसे अभी हमने देखा फोरलिम्स देखा वैसे ही हैंडलिम्स भी जो है स्ट्रक्चर सेम है बट काम अलग अलग है पटैटो एंड जिंजर पटैटो एंड जिंजर दिज आर ऑल्सो मोडिफिकेशन ऑफ जहाँ तक मुझे पता है स्टेम राइट तो दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बट काम अलग अलग है रेडिश एंड कैरेट दिज आर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट बट अगेन काम अलग अलग है तो so सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने इंक्लूड किए हैं सिमिलर होमोलॉगी आप देख सकते हो मॉलिक्यूल्स में भी ठीक है मॉलिक्यूल्स में भी जैसे कि प्रोटीन प्रोटीन जो मिलता है ना मैन और एप्स के ब्लड में ठीक है वो प्रोटीन जो है वो सेम है बट उसका काम जो है वो अलग अलग है और उसको बोला जाता है मोलिक्यूलर होमोलॉगी क्या बोला जाता है मोलिकुलर होमोलॉगी फाइन यस आयात हेलो नाउ इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है होमोलोगस ऑर्गन के लाइक like, टेस्टिस ऑफ मेल एंड ओवरिज ऑफ फीमेल तो टेस्ट ऑफ मेल एंड ओवर ऑफ़ फीमेल इनका भी एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट जो है वो सेम है बट अगेन फंक्शन इज डिफरेंट पैक्टोरल फिंस ऑफ फिश एंड फ्लिपर्स ऑफ सील फ्लिपर ऑफ पैंग एंड डॉल्फिन ओके सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन नाव नेक्स्ट इज बेटा थैंक्स रिंको ना सब्सक्राइब कर दो यार ग्रेडअप न्यूज चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलो यस बिल्ड गेम बच्चे नाउ लेट्स सी अडेप्टिव रेडिएशन अगेन दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नीट में पूछा जाता है ओके okay? अच्छा फोर हाउस ईयर्स पहले पहुंच गए अनमोल यस बिल्ड गेमिंग नाउ अडेप्टिव रेडिएशन का बात करें अडेप्टिव रेडिएशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में ठीक अडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है समझने का कोशिश करते हैं ठीक समझ गए अजीम समझ गए अजीम समझ गए आयात वेरी गुड सो अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है द प्रोसेस इन विच स्पीशीज हैव डाइवर्ज ओके सो इससे कहीं ना कहीं आप अडेप्टिव रेडिएशन को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी बोल सकते हो आप सभी ने जो है डाइवर्जेंट रेज पढ़े हैं फिजिक्स में पढ़ा है डाइवर्जेंट रेज ठीक है तो इसी तरह से होता है डाइवर्जेंट रिवॉल्यूशन या अडेप्टिव रेडिएशन सो बेसिकली कॉमन एंसेस्टर्स से जब न्यू स्पीशीज़ बनते हैं बिकॉज ऑफ़ बिकॉज ऑफ चेंज इन द एन्वायरमेंट या चेंज इन द दैबिटाट ठीक है एक स्पीशीज से एक स्पीशीज से जब डिफरेंट तरह के स्पीशीज़ डेवलप होंगे बिकॉज ऑफ चेंज इन द एन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ चेंज इन द हैबिटाट तो उसे ही बोला जाता है एडेप्टिव रेडिएशन ठीक है एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है होमोलोगस ऑर्गन जो हमने अभी पढ़ा ठीक क्या आपको याद है क्या आपको याद है डार्विन फिंचेस ठीक है डार्विन फिंचेस डार्विन जी जो है अपने शिप में उनके शिप का नाम क्या था एच एम एस बीगल क्या था उनके शिप का नाम एच एम एस बीगल तो एच एम एस बीगल जो है शिप में बैठ के जब वो गए थे गैला आइलैंड में कहाँ गए थे गैला आइलैंड में तो उन्होंने देखा कि उस आइलैंड में जो है डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड में सेम फिंचेस जो है उनके बीक्स अलग अलग है क्यों है बीक अलग अलग बिकॉज ऑफ द क्योंकि वहां पे खाने का जो सोर्स था वो अलग अलग तरह का था उसके वजह से उनका जो बीक है वो मॉडिफाई हो गया है ठीक है और उन्होंने बना नए नए स्पीशीज और उनको बोला जाता है डारबिन फिंच राइट ओके okay. नाउ ये तो है अडेप्टिव रेडिएशन और इसी को जो है बोला जाएगा अडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सो so, एक और एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन के वजह से ही देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल्स क्या होता है मार्सुपियल्स होते हैं पाउस्ड मैमल्स ठीक है पाउच्ड मैमल्स जैसे कि कैंगरू अंडरस्टूड एवरीबॉडी जेनेटिक्स नेहल जेनेटिक्स बॉटनी में होगा बच्चा बॉटनी में होगा ओके okay? समझ गए डाइवर्जन एवोल्यूशन या अडेप्टिव रेडिएशन या होमोलोगस ऑर्गन ध्यान में रखना है वन सेम थिंग। नाउ कमिंग टू दिस डायग्राम, सो आर द मार्सुपियल्स ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया ठीक है तो कॉमन एंसेस्टर से अलग 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 जो है ऑर्गेनिजम्स मार्सुपियल से पाउस्ट मैमल्स बने जिन्हें बोला जाता था मेटाथीरिया ठीक है सो यू कैन सी तस्मान टाइगर कैच बैंडीटर मार्सुपियल रैच कैंगरूम ग्लाइडर्सुपियर फॉर्मड फ्रॉम से ना एनालॉगी हा मुझे भी समझ में नहीं आता कहाँ से आते हैं ये लोग कमिंग टू एनोलॉगी ठीक है एनोलॉगी नाम से समझ में आ रहा है एनालॉगस एना मतलब होता है डिफरेंट एना का मतलब होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर लोगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर बट इनका होता है सेम फंक्शन बट होगा सेम फंक्शन ठीक है याद रहेगा सभी को अगेन एनालॉगस ऑर्गन जिनका होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड होता है सेम फंक्शन ठीक है उनका ओरिजिन डिफरेंट है फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है बट काम सेम है सिमिलर फंक्शंस है समझ गए नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ एनालॉगस ऑर्गन बहुत जरूरी है जानना क्योंकि यही एक तो एग्जाम में पूछा जाएगा नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स राइट इंसेक्ट्स के विंग्स बर्ड्स के विंग्स बैट के विंग्स करते है हैं हेल्प उड़ने में पर स्ट्रक्चर होता है इन सभी का डिफरेंट पेल्विक फिन ऑफ फिश फ्लिपर ऑफ सील करता है काम स्विमिंग में हेल्प करते हैं स्विमिंग में बट स्ट्रक्चर अलग है स्टिंग ऑफ बी एंड स्कॉर्पियन ठीक है स्टिंग ऑफ बी एंड स्कॉर्पियन करता है सेम काम बट स्ट्रक्चर है अलग हैंड्स ऑफ मैन एंड ट्रंक ऑफ एलिफेंट एकदम ही डिफरेंट है फंक्शन सेम है पटैटो एंड स्वीट पटैटो करता है काम स्टोरेज का बट पटैटो इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम And sweet potato pucha jata hai ye hai na so eyes of octopus and eyes of कितनी होगा करते हैं सेम सेंसरी ऑर्गन है बट स्ट्रक्चर है डिफरेंस डिफरेंट सिमिलरली डॉग फिश एंड वेल एक है मैमल एक है cartilaginous फिश नाउ इसी से इसी से रिलेट करते हैं हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब है जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो है जिनका ओरिजिन अलग है स्ट्रक्चर अलग है बट करते हैं सेम फंक्शन तो इस तरह के इवोल्यूशन को बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ठीक है सो सिमिलरली स्पीशीज़ का भी बात कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पाए जाने वाले स्पीशीज़ जब वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है तो उसे बोला जाता है कन्वर्जेंट एवॉल्यूशन ओके चलो तो यहां पर समझेंगे बच्चे सभी बच्चे प्लीज ध्यान देंगे पढ़ाई पे बेटा पढ़ाई पे ठीक है हाँ ठीक है सो यहाँ यू कैन सी डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर एडेप्टेशन की वजह से सिमिलर ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं बट है वो डिफरेंट स्पीशीज सो डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर इन अन रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म में जब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है तो उसे बोला जाता है कन्वर्जन्यूशन ओके हाँ बिल्कुल सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया, ओके सो मार्सुपियलिया जो है वो प्लेसेंटल मैमल्स की तरह ही है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बट उनके हैबिटाट्स अलग है वो स्पीशीज अलग है सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन डायग्राम में आप देखो इंसेक्ट्स के विंग्स देन टेरोटेक्टाइल uh, के विंग्स बर्ड्स के विंग्स एंड बैट के विंग्स काम सभी का सेम है उड़ने का काम करते हैं ये सभी विंग्स ठीक है बस स्ट्रक्चर क्या है इनका अलग है स्ट्रक्चर क्या है हाँ बिल्कुल सुन लिया मैंने अभिषेक बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है वो अलग है नाउ इसे ही बोला जाता है पैरल रिवॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू एनसीआर अकॉर्डिंग टू नीट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म सो हियर यू कैन सी हियर यू कैन सी कि व्हेन अडेप्टिव कन्वर्जेंस इज फाउंड इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इस टर्म को सभी बच्चे मार्क कर लेंगे दिस इज द लाइन ऑफ एन ओके यहां पर जो आप डायग्राम्स देख रहे हो ये डायग्राम भी लिया गया है एनसीआर से और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो यो यू कैन सी अडेप्टिव कन्वर्जेंस मैंने बताया दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गन्स इन डिफरेंट स्पीशीज और अगर वो डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो क्लोजली रिलेटेड है तो उसे बोला जाएगा पैरल इवोल्यूशन क्या बोला जाएगा पैरल इवोल्यूशन ओके एग्जाम्पल जरा हम देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं लाइक इन प्लेसेंटल मैमल वी हैव अ मोल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में है मार्सुपियल मोल देन वी हैव एंट ईटर नम कैट दैट इज ऑल्सो एंटीटर इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स माउस मार्सुपियल माउल्स लेम्यूर्स पॉटेड कस्कस फ्लाइंग स्कूरल फ्लाइंग फैलेंजर बॉब कैट तस्मानियन टाइगर कैट वुल्फ एंड तस्मानियन वुल्फ ओके सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरल इवोल्यूशन जिससे जिससे जिसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी बोला जाता है एकदम याद रखना है मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आई हैव डन बी डी एस बेटा ओके तो चलिए लेट्स कम टू वेस्टिजियल ऑर्गन वेस्टिजियल ऑर्गन का अगर बात करें बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो आप यू आर स्टडिंग दीज ऑर्गन फ्रॉम क्लास टेंथ ठीक है और एग्जाम में पूछा जाता है वट आर वेस्टिजियल ऑर्गन सो बेसिकली वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है रिड्यूस फॉर्म में या नॉन रिड्यूस फॉर्म में बट बट दे आर नॉट यूजफुल एट ऑल ओके सो दोज ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन रिड्यूस्ड फॉर्म बट डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन इन द बॉडी ओके और उन्हें क्या बोला जाता है उन्हें बोला जाता है वेस्टिजल ऑर्गन बट याद रखो ये जो वेस्टिजल ऑर्गन है ये जो वेस्टिजल ऑर्गन है ये बाकी ऑर्गेनिज्म में या हमारे एनसेस्टर्स uh, में जो है यूजफुल थे बट नॉट इन अस ओके फिफ्थ में भी पढ़ा था यस आई नो ओके नाउ हियर यू कैन सी दीज आर द रेमनेंट्स ऑफ ऑर्गन विच वर कंप्लीट एंड फंक्शनल इन देयर एंसेस्टर्स हमारे एंसेस्टर्स में तो वो जो, जो है फंक्शनल थे वेल well डेवलप्ड थे बट नॉट इन प्रोजेनिज सो ह्यूमन बॉडी में अराउंड 180 एटी वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं कैन यू सी वी आर नॉट वी आर नॉट गोइंग टू वी आर नॉट गोइंग टू गोइंग टू डिटेल्स ऑफ ऑल दिस 180 एटी वेस्टिजियल ऑर्गन बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दोजियल ऑर्गन विच आर आज इन एग्जैक्ट ठीक है सो यस प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन एंड सब्सक्राइब कर दो ग्रेट चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो तो कुछ वेस्टिजियल है लाइक ओके दिस इज अ अम्ब्रेन जो हमारे आई को कवर करता था जब हम पानी में रहते थे नॉट अस बेसिकली जो भी प्रिमेटिव ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहते हैं लाइक फिशेस उनके आग को कवर करता है एक मेम्ब्रेन जिसे बोला जाता है निक्टिटेटिंग मेमब्रेन ये निक्टिटेटिंग मेमब्रेन हमारे आई में भी कॉर्नर में प्रेजेंट है पिंक कलर के स्ट्रक्चर से बना हुआ है आपको दिखता होगा अपने आई में दैट इज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन विट इज विच इज वेस्टिजियल ऑर्गन फाइन नेक्स्ट इज मसल ऑफ पिना हमारे ईयर या जो पिना है उसके जो मसल्स हैं ठीक है ठीके? वो मसल्स वेस्टीजियल है हमको क्या जरूरत पड़ता है अपने कान को ऐसे मूव करके जो है साउंड को कलेक्ट करने का नहीं जरूरत पड़ता है सो दीज आर ऑल वेस्टिजियल ऑर्गन नेक्स्ट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अपेंडिक्स विच इज़ प्रेजेंट इन आर इंटेस्टाइन दैट इज ऑल्सो अ वेस्टिजल ऑर्गन अब आप बोलोगे कि अपेंडिक्स जो है वो तो लिफॉइड ऑर्गन है बट हमारे बॉडी में और भी बहुत सारे लिम्फॉयड ऑर्गन है उसका ज़रूरत हमें नहीं है सो वर्मा अपेंडिक्स जो है पहले वेन वी वर यूजिंग वन वी वर नॉट यूजिंग फायर जब हम रॉ फूड खा रहे होते थे तब वो जो अपेंडिक्स है उसमें रहते थे बैक्टीरिया जो हमें वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते थे बट नॉट नाउ वी आर ईटिंग कुक्ड फूड राइट सिमिलरली कॉकिक्स विच इज नोन है स्टेल बोन दिस इज वेस्टीजियल वेस्टीजियल का मतलब है बेटा वो ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में अब काम के नहीं है नॉन फंक्शनल है कुछ भी काम जिनका नहीं है पर हमारे एंसेस्टर्स में वो बहुत ही यूजफुल थे फाइन नेक्स्ट इज कैनाइन टीथ हमारे जो शार्प कैनाइन टीथ है अब हमको नहीं चाहिए क्यों क्योंकि हम रॉ फूड रॉ मीट नहीं खाते हैं थर्ड मोलर या जिसे बोला जाता है विजडम टूथ ये भी वेस्टिजल है सेगमेंटल मसल ऑफ एबडोमिन दिस इज वेस्टिजल सीकम बॉडी हेयर्स बॉडी हेयर्स पहले हमें क्यों ज़रूरत पड़ता था क्योंकि हम कपड़े नहीं पहनते थे ठीक है तो प्रोटेक्ट आर बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशन हमारे बॉडी हेयर्स जो थे वो बहुत ही यूजफुल थे बट नॉट नाउ निपल्स इन मेल अगेन दैट इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ निपल्स इन मेल सो ऑल दीज आर दिस्ट ऑफ एस्टीजियल ऑर्गन दैट यूंग टू स्टडी फॉर नीट ओके नेक्स्ट इज बेटा अटैविज्म का मतलब क्या है अटैविज्म का मतलब है सडन डेवलपमेंट ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स सो वॉट इज अटैविज्म एटैज इज सडन अपियरेंस ऑफ सडन अपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल एनसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ओके सो कभी अगर कोई बच्चा बॉर्न हुआ विद अ टेल राइट नाउ वी डोंट हैव टेल बट हमारे एंसेस्टर्स में हुआ करता था एकदम से कोई बच्चा जो है पैदा हुआ विदेल तो उसको बोला जाएगा एटेविज्म एंड अनदर टर्म इज रिवर्शन फॉर दिस वेरी गुड ना यू कैन सी समाइम सम कैरेक्टर सडनली अपेयर विच वी प्रेजेंट इन दर्ड एनसेस्टर तो सडन अपेयर जो सडनली अपेयर हो जाते हैं नए प्रोजेनि में जो हमारे एंसेस्टर्स में हुआ करता था उसे बोला जाता है अटैविज्म या रिवर्सन एग्जाम्पल देखते हैं बेटा एग्जाम्पल ओके ह्यूमन बेबी विदेल सर्वाइकल फिशचूला सर्वाइकल फिस्टूला क्या होता है यहाँ पर नेक में ना नेक में जो है गैप प्रेजेंट होता है नेक में गैप होता है स्लिट्स होता है जिसे बोला जाता है सर्वाइकल फिशचूला और ये जो सर्वाइकल फिशूला है ये रिप्रेजेंट करता है नहीं निपल्स इन मैन का बेटा पहले भी यूज नहीं था प्रिंस निपल्स इन मैन का पहले भी यूज नहीं था ओके okay? हेलो जी ऑल ओके ऑल अली सो सर्वाइकल फेस्टुला विच आर गैप्स या स्लिस्ट इन द सर्वाइकल रीजन जो रिप्रेजेंट करता है फेरेंजल गेट्स फेरेंजल गेट्स जो हमारे एम्ब्रियो में होता है राइट right? हमने पढ़ा था कॉडेटा का फीचर है तो so, ये फेरेंजल गल्सलेट्स कभी कभी न्यूबॉर्न में भी आ जाते हैं जिन्हें बोला जाता है सर्वाइकल फेस्टूला लॉन्ग एंड पॉइंटेड कैनाइन टीथ ओके कभी कभी आप देखोगे कभी कभी आप देखोगे कि कोई बच्चा ऐसे बॉर्न हो जाता है या किसी किसी का कैनाइन जो है वो बहुत शार्प और बाहर निकला हुआ होता है दिस इज ऑल्सो एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक लार्ज एंड थिक बॉडी हेयर एंड एक्स्ट्रा निप्पल्स मोर देन टू मोर देन टू ओके नहीं आज जो है कंप्लीट नहीं होगा बेटा कल भी हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ओके वी आर गोइंग टू स्टडी इवोल्यूशन टूमोरो एज वेल नाउ हियर यू कैन सी वेरी यस एम्ब्रे में प्रेजेंट होता है गिल्सलिट्स वेरी गुड हियर यू कैन सी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर यू ऑल ना सिर्फ जो इवोल्यूशन में आपको हेल्प करेगा बट ये एनिमल किंगडम में भी हेल्प करेगा दैट इज कनेक्टिंग लिंक सो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फाइव लम्स इज ऑल्सो और ऑर्गेनिजम्स इज ऑल्सो वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन सो यू कैन सी ये जो है ये चार्ट मैं आपको ये जो चार्ट है मैं आपको टेलीग्राम में भी सेंड कर दूंगी देख लेते हैं वायरस एज यू कैन सी इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यूगलिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स प्रोटेरोस्पांजिया इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलस्का एंड एनिलीडा Peripetus is a connecting link between annelida and arthropoda. archaeopteryx is a missing link between reptiles and birds. squemena missing link. bolungi this is a missing link. come. connecting link. balanoglossus between non cordata and core right. important. Hai nah ye? chimera is a connecting link between cartilaginous fishes and bony fishes. लंग फिशेज प्रोटेक्टेरिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशिज एंड एम्फीबिया प्लेटिप इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेपटाइल्स एंड मैमल्स अकिडना स्पाइनी एंड टीटर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अगेन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ओके अकिडना इज स्पाइनी एंड टीटर सो सभी बच्चे स्क्रीन शॉट ले लेंगे मैं हाइड कर लेती हूँ अपने आप को स्क्रीन शॉट ले लो कभी कभी बहुत बार आपको मिल नहीं पाता है पीडीएफ टेंट बेटा ठीक तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है न्योपिलीना पूछा जाता है पेरीपेटस पूछा जाता है आर्क्योपटेरिक्स पूछा जाता है एंड 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 प्लेटिपस पूछा जाता है बस इतना जो है नीट में पूछा जाएगा मार्क कर लो सभी बच्चे हुँ? चलो आगे बढ़ते बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का बात करें अगर हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का बात करें सबसे पहले बात करते हैं लेमार्क की ठीक है ठीक है लेमार्किज्म में बोला गया था कि बिकॉज ऑफ यूज एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन इवोल्यूशन टेक प्लेस किसी भी ऑर्गन का अगर ज्यादा यूज किया जाए तो वो ज्यादा डेवलप हो जाएगा किसी भी ऑर्गन को अगर कम यूज़ किया जाए तो वो कम डेवलप होगा उन्होंने एग्जाम्पल दिया था किसका जराफ का ओके सो जराफ का एग्जाम्पल में उन्होंने क्या बोला कि जब जराफ को ज़रूरत पड़ी नेक को स्ट्रेच करने की और ऊपर जो लगे हुए थे पत्ते खाने के बिकॉज ऑफ एन्वायरमेंटल कंडीशन उसके वजह से उनका जो नेक है उसका साइज़ जो है वो लंबा हो गया सो बेसिकली लमार्किजम इज़ बेस्ड ऑन यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगी ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए सो यूज एंड डिस इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या था सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इनहेरिटेंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुआ है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाएगा कैसे होगा वो समझ में नहीं आया वो उन्होंने नहीं बताया ओके सो हियर यू कैन सी द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेमार्किज़म वन इज़ यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन किसी ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ किया जाए तो वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगा किसी भी ऑर्गन को कम यूज़ किया जाए तो वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा ठीक है और ये जो चेंज आया है ये जो चेंज आया है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पास आउट होगा इनटू न्यू जनरेशन ठीक है नाउ अगर हम डार्विनियन थ्योरी की बात करें जैसे मैंने पहले भी बताया था डार्विन की थ्योरी का दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन सा था दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वन वॉज ब्रांचिंग डेंट या डेसेंट विथ मॉडिफिकेशन जिसे बोला जाता है और सेकेंड इज नेचुरल सिलेक्शन सेकेंड क्या था बेटा नेचुरल सिलेक्शन ओके सो ब्रांचिंग डिस बारिश कहाँ हो रही है कहाँ बारिश हो रही है इतना गर्मी में यस आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट बेटा सो ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू मेन कंसेप्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी उसका मतलब है कि चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स आता है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन जिसके जो है चेंजेस फेवरेबल होते हैं वो सर्वाइव करते हैं जिनके नहीं होते हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं दिस इज वॉज इट इज नेचुरल सिलेक्शन और आगे के जनरेशन में भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन किए जाते हैं एंड दैट इज नोन एज ब्रांचिंग डिसेंट या डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन ठीक है हाँ तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीट में मार्क कर लेंगे सभी बच्चे इसको ठीक है सिमिलरली ये भी आप माफ कर लोगे लेमार्किजम के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ओके चलो सो नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू यू गो डिग्रीज आफ्टर लेमार्किज्मारविनिज्म जब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये वेरिएशन कैसे आए या ये वेरिएशन आगे कैसे पास ऑन हुए तो डिवरीज आए पिक्चर में उन्होंने क्या किया उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया ऑन इवनिंग प्राइम रोज ठीक है और उन्होंने आइडिया दिया ऑफ म्यूटेशन सो म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज गिवन बाई डिवरीज उन्होंने क्या दिया म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एवोल्यूशन ठीक है उन्होंने बोला कि जो म्यूटेशंस होते हैं ना म्यूटेशंस दीज आर रैंडम ठीक है न, random, किसी भी किसी भी रीजन से जो है क्रोमोजोम का नंबर चेंज हो सकता है क्रोमोजोम का एक आर्म डिलीट हो सकता है या देर कैन बी चेंज इन डाइट्रोजेनस बेस पेयर्स ठीक है तो उन्होंने बोला कि जो म्यूटेशन है वो रैंडम है एंड डायरेक्शन लेस है ओके okay? पर डार्विन ने क्या बोला कि जो वेरिएशंस थे अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने बोला कि जो वेरिएशंस है ना ये स्मॉल है और डायरेक्शनल है धीरे 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 वेरिएशंस आते हैं पर डिवरीज ने क्या बोला नहीं ये जो चेंजेस है ये रैंडमली एकदम से आ सकते हैं ये जो म्यूटेशन हुआ है ये फेवरेबल भी हो सकता है या अनफेवरेबल भी हो सकता है थैंक्स अमीशा समझ में आया है ना मुझे ये एक्सपेरिमेंट सही लगता है मुझे जो है मुझे जो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी सबसे सही लगता है बेटा गिवन बाय डॉब्सेंस की ओके वेरी गुड फोर ओ क्लॉक प्लान वेरी गुड उमेश नेक्स्ट बच्चे ना इवोल्यूशन फॉर डार्विन ये कुछ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एन में दिए गए हैं और जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है जो नीट में पूछा जाएगा कौन कौन सा की म्यूटेशनल थ्योरी किसने दिया आपका आंसर होगा यूगो डिवरीज में ओके और दूसरा ये जो यूगो डिवरीज है उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किसमें में किया तो उन्होंने किया फोर ओ या इवनिंग प्राइम रोज प्लांट में अच्छा ये मतलब बच्चे ना बच्चे मानेंगे नहीं मतलब बिना ब्लॉक हुए वाह वेरी नाइस क्या मिलता है इन्हें समझ में नहीं आता <laughs> क्या मिलता है बेटा हम्म चलो सो नेक्स्ट इज़ ये जो म्यूटेशन होता है वो कैसा होता है दिस इज रैंडम एंड डायरेक्शनल डायरेक्शन लेस राइट ये जो वेरिएशन होते हैं वो रैंडमली आते हैं और डायरेक्शन लेस होते हैं डार्विन के थ्योरी के अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन या जो वेरिएशन होते हैं वो स्मॉल एंड डायरेक्शनल होते हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सारे थ्योरी जो मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है यस जोया नेक्स्ट इज इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरी इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डार्विन वॉज ग्रेजुअल इवोल्यूशन धीरे 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 हुआ ग्रेजुअली हुआ वाइल अकॉर्डिंग टू डिवरीज अकॉर्डिंग टू डिवरीज जो इवोल्यूशन है वो सडन था सडन था एकदम से हुआ ठीक और उन्होंने इसको टर्म दिया सॉल्टेशन दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ नीट सोल्टेशन टर्म वॉज गिवन बाई डी डीवरीज जिसका मतलब है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन मतलब एक ही बार में एक ही बार में पूरा जेनेटिक कॉम्पोजिशन हो जाएगा चेंज और एक ही बार में बन जाएगा न्यू स्पीशीज सो सॉल्टेशन अकॉर्डिंग टू डीवरीज इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन समझ में आ रहा है सभी को समझ में आ रहा है तो आ गया है तो फटाफट से जो है दिस इज दिस वॉज योर फर्स्ट बायोलॉजी अच्छा जोया का बायोलॉजी एग्जाम था कैसा गया बच्चा हुँ? चलो तो फटाफट से फटाफट से जो है अब सब्सक्राइब करना मत भूलो लाइक कर दो सेशन को शेयर कर दो सेशन को सब्सक्राइब कर दो ग्रेड अप नीट चैनल को बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आज के लिए इतना ही ठीक कल के क्लास में हम बाकी के जो बाकी का जो पोर्शन है इवोल्यूशन का फॉर एग्जाम्पल सारे के सारे पॉइंट्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन देन नेचुरल एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हार्डी वीनबर्क प्रिंसिपल ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं ओके सो दैट वॉज इट फॉर टू बहुत अच्छा गया वेरी नाइस nice, जोया यस yes, हो गई क्लास डोंट फोरगेट टू लाइक द सेशन शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब करो ग्रेडअप नीट चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो कल भी मिलना तीन बजे ग्रेडअब नीट चैनल पे डिस्कस करेंगे हम इवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन याद है ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एवरीथिंग वी आर गोइंग टू रिवाइज़ ओके सो बाय बाय टेक केयर सी यू टूमोरो एट थ्री पी एम सब कर दिया वेरी नाइस गुड आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग था वेरी गुड लेने वाला वेरी गुड कल भी आओ कल का लेक्चर भी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा